guys, welcome back to my channel Skill Builder. In today's class we will learn a specific sentence structure. जैसा कि कभी भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ या घर पे घर के मेंबर्स के साथ कुछ बात करते हुए परेशान हो जाते हैं और हम बोलते हैं मैं तो बस तंग आ गया हूँ. हम किसी पर्टिकुलर चीज़ से तंग आ जाते हैं या इंसान से तंग आ जाते हैं तो हम बोलते हैं बस मैं इस चीज़ से तंग आ गया हूँ. तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो आज हम सीखेंगे. चलिए देखते हैं क्या क्या है उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, प्लस एक छोटी सी चीज़ हमें ऐड करनी है, दैट इज़ फैड अप, प्लस विद एंड प्लस जो चीज़ से हम तंग आ गए हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस रेडी है. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई एम जस्ट फैड अप विद योर कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स. मैं आपकी लगातार शिकायतों से तंग आ गई हूँ. आई एम फैड अप विद दिस मोबाइल फ़ोन. मैं इस मोबाइल फ़ोन से तंग आ गई हूँ. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. I just got fed up with this corona. मैं इस कोरोना से तंग आ गई हूँ. I'm fed up with waiting for your reply. मैं आपके उत्तर का इंतज़ार करते तंग आ गई हूँ. फटाफट एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. I'm fed up to the black teeth with hearing your poor jokes. मैं आपके ख़राब चुटकुले सुनकर तंग आ गई हूँ. जब हम किसी चीज़ से या किसी पर्सन से एक्सट्रीमली परेशान हो जाते हैं तो हम एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, fed up to the black teeth. अदरवाइज सिंपली अगर हम परेशान हैं तो हम यूज़ करते हैं फैड अप. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज. बाय बाय.